नमस्ते, मैं हूँ भारती सिंह। जी हाँ, आप लोग तो जान गए होंगे ना कि मैं कितनी ज्यादा शातिर खिलाड़ी हूँ। जी हाँ, ऐसी शक्ल होने के बावजूद, ऐसा शरीर होने के बावजूद मैं भारत की नंबर वन लेडी कॉमेडियन बन ही गई ना। इतने सालों से कपिल शर्मा के शो में काम कर रही हूँ, साथ साथ में इतनी फैंटेस्टिक सेटिंग कर रखी है कलर्स चैनल के साथ कि कलर्स अपने सारे शोज में मुझे लेता है, चाहे मैं फिट हूँ या ना हूँ। अब ये दूसरी बात है कि जब अर्पिता खान, सलमान खान की बहन ने, वो आयुष शर्मा के साथ शादी कर ली, मुझे थोड़ी जेलसी हो गई। मुझे लगा कि ओ माय गॉड, वो ये कर सकती है तो मैं तो उससे बेटर ही हूं। तो मैंने जाके हर्ष के साथ शादी कर ली। अब हैप्पीली मैरिड लाइफ को चलाने के लिए थोड़ा बहुत फूंक लिया तो क्या हो गया, इसमें कोई क्राइम थोड़ा है। भारत के अंदर तो सभी फूंकते हैं। ये दूसरी बात है कि एनसीबी ने मेरे घर में रेड पाड़ दी और मुझे अरेस्ट कर दिया। अब मेरे पति को भी अरेस्ट कर दिया। मगर देखो, हम थोड़ा बहुत फूंकते थे बिकॉज वी वॉन्टेड टू हैव अ हैप्पीली मैरिड लाइफ। और बॉलीवुड के अंदर तो सभी फूंकते हैं। ये दूसरी बात है कि उनके घर में अभी तक रेड नहीं हुई। मैं तो बस वेट कर रही हूँ कि सारे बॉलीवुड वाले और टेलीविजन वालों के यहाँ रेड हो, उनके घर से भी गांजा मिले तो मेरे ऊपर ये जो दाग लगा है वो धुल जाए। बिकॉज देखो ना, मैंने इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से अपना नाम कमाया है और अब अगर मेरा नाम ऐसे मिट्टी प्लीत हो जाएगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं भी तो एक प्यारी सी, छोटी सी, मोटी सी लड़की हूँ। मेरे भी तो अरमान है और मेरे अरमानों को ऐसे क्रश मत करो। मैं अपने अरमानों को जिंदा रखने के लिए थोड़ा बहुत फूंकती थी, इसमें इतना बड़ा क्राइम थोड़ा किया मैंने। और आफ्टरऑल मैंने बीजेपी को कितना सपोर्ट किया है, बीजेपी की कितनी सारी कैंपेन की है फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये बीजेपी वाले, इन्होंने ना एनसीबी मेरे पीछे छोड़ दी। हाँ, एनसीबी बीजेपी वालों के हिसाब से काम करती है और ये बीजेपी वालों ने एनसीबी को मेरे पीछे भेज दिया। अब देखना, आने वाली इलेक्शंस में मैं कांग्रेस को सपोर्ट करूंगी।